हेलो बच्चों, वेलकम इन एनसीईआरटी साइंस। तो आज हम क्लास 12th का टॉपिक ओजेनेसिस को पढ़ेंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने वीडियो में जो है तो क्लास 12th के टॉपिक को कंटिन्यू करूं, सो आप जो है तो आपको जो भी जिस टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है और आप चाहते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, तो आप कमेंट बॉक्स पर उसको जो है तो कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसी को कंसिडर करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ओजेनेसिस। ओजेनेसिस क्या होती है? प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो है तो मैच्योर ओवम का जो है तो फॉर्मेशन होता है, ओके, फीमेल में। और ओजेनेसिस प्रोसेस होती कहाँ है? सोया जो है तो ओवरी में जो है तो कंप्लीट होती है ओजेनेसिस। फिर जैसे कि जो है तो स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में जो है तो कब स्टार्ट हो जाता है? जैसे मेल में प्यूबर्टी आती है 13 ईयर एज और के आसपास, तो उसमें जो है तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। बट फीमेल के सेंस में ऐसा नहीं होता। फीमेल में जो है तो जो ओजेनेसिस की प्रोसेस है वो जो है तो जब फीमेल जो है तो फेटस के फॉर्म में रहती है अपने मदर के बॉम्ब में, उसका बर्थ नहीं होता है ना, फेटस के फॉर्म में रहते हैं तभी जो है फेटस के ओवरी में जो है तो फीमेल फेटस के ओवरी में जो है तो ओजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। सो क्या होता है, जैसे कि ये क्या है, हमारे फेटस का जो है तो ओवरी है, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। सो जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये जो सेंटर में जो होता है रीजन उसको हम मेडुला बोलते हैं और जो आउटर रीजन होता है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो कॉर्टेक्स के सेल ही जो है तो आगे चल के ओवम का फॉर्मेशन करती हैं। सो उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ओगोनियम बोलते हैं, ठीक है। सो ओगोनियम क्या करते हैं? सबसे पहले तो ओगोनियम की जो सेल होती हैं उनमें क्या होता है, माइटोसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है, माइटोसिस करके और जो है तो क्या करते हैं, अपने नंबर को इंक्रीज़ करते हैं। फिर क्या होता है, जैसे वो नंबर को इंक्रीज़ कर लिए, सो वो क्या बोलेंगे, हम उनको प्राइमरी ओसाइट बोलेंगे जो आगे चल के ओवम का फॉर्मेशन करेंगी। सो जो प्राइमरी ओसाइट होते हैं वो आगे क्या क्या करेंगे, वो मियोसिस में एंटर करेंगे। सो जैसे ही प्राइमरी ओसाइट मियोसिस फर्स्ट जो प्रोफेस होता है, प्रोफेस फर्स्ट में एंटर करते हैं, सो क्या होता है कि मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेस फर्स्ट के डिप्लोटेन स्टेज पे जैसे ही एंटर करती है सेल, तो क्या होता है, सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। सो जो सेल डिवीजन है वो वहाँ पे जो है तो स्टॉप हो जाएगा और आगे का जो है तो सेल डिवीजन वहाँ पे नहीं होगा। फिर क्या होगा, इतने तक में जो है तो वहाँ पे क्या होते हैं, जो सेल होते हैं ये पे, सपोज करो कि हमारा ये प्राइमरी ओसाइट है, सो आसपास के यहाँ पे जो सेल्स रहते हैं वो यहाँ पे एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे प्राइमरी ओसाइट के सराउंडिंग में जो है तो लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सेल क्या कहलाते हैं, ग्रैनुलोसा सेल कहलाते हैं। ये जो सेल है हमारा, ये यहाँ पे जो लेयर बन जाता है सेल का, तो ये क्या है, ग्रैनुलोसा सेल है, ठीक है। और जो है तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है पूरा प्राइमरी ओसाइट और ग्रैनुलोसा सेल का, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। सो ये हमारा हो गया प्राइमरी फॉलिकल हो गया। देन फिर क्या होगा, वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या चेंजेस आते हैं, ये सिंगल लेयर रहती है ग्रैनुलोसा की, ये मल्टी लेयर हो जाती है, ठीक है, ये मल्टी लेयर हो जाएगी और यहाँ पे जो है तो थीका सेल आ जाएगी, ठीक है, ये थिकल लेयर आ जाएगी। सो यह क्या हो गया हमारा, सेकेंडरी फॉलिकल। फिर क्या होगा हमारा, इसमें जो चेंजेस होंगे, सो उसमें क्या होगा, अभी टर्सरी फॉलिकल का जो फॉर्मेशन होगा। सो यहाँ पे क्या होगा, एक हमें कैविटी दिखेगी, जैसे कि हमारा ये तो प्राइमरी ओसाइट है और यहाँ पे जो सेल्स का अरेंजमेंट था, तो यहाँ पे हमें ऐसी कैविटी दिखेगी, ठीक है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी दिखेगी जिसको हम एंट्रम बोलते हैं। तो ये हो गया टर्सरी फॉलिकल। और हाँ, जो थीका सेल है वो डिवाइड हो जाएगी दो पार्ट में, एक्सटर्नल थीका और इंटरनल थीका। सो ये हमारा टर्सरी फॉलिकल हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, जब तक में क्या होता है कि जो फेटस होता है उसका बर्थ हो जाता है, बर्थ के बाद जो है तो प्यूबर्टी तक इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, जो जैसे सेल्स है वैसे ही रहेंगे। फिर क्या होगा कि जो है तो जैसे प्यूबर्टी आती है तो कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं बॉडी में। सो जैसे कि यहाँ पे जो है तो हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, GnRH, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है तो वहाँ से रिलीज होगा, तो वो किस पर एक्ट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पे जो है तो वो एक्ट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पे वो एक्ट करेगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड वहाँ से क्या हार्मोन रिलीज करेगी, ठीक है, दो हार्मोन रिलीज करती है, LH और FSH। सो जो FSH होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, वो क्या होता है, ये जो फॉलिकल्स है इसको ग्रोथ करने में जो है तो इसको डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। सो फिर क्या होता है, प्यूबर्टी पे क्या होता है, जैसे कि वहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, सो हर मंथ क्या होता है, ओवुलेशन होता है।
ये जो टर्सरी फॉलिकल है ये ग्रो करके जैसे डेवलप होके और किसका फॉर्म करता है, मैच्योर ओवम का, ठीक है, ग्रेफियन फॉलिकल जिसको बोलते हैं, इसका फॉर्मेशन करता है। यही जो है तो हार्मोन जो है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होती है तो उसमें जो है तो ये ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलीज होता है, ओवम रिलीज हो जाता है, और जो बचता है हमारा रिमेनिंग पार्ट रहता है उसको हम जो है तो कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, ठीक है। सो ओजेनेसिस के प्रोसेस को हम एक बार डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो सेल होती है क्या होती है, ओगोनियम की सेल होगी, उसमें माइटोसिस की प्रोसेस होगी और वो प्राइमरी ओसाइट बनाएंगी। प्राइमरी ओसाइट जो है तो मियोसिस में एंटर करने के पहले जैसे एंटर करता है सो वो प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटिन स्टेज में क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ये प्रोसेस कब कब हो रही है, जब फीमेल फिटस के फॉर्म में ही है, मतलब बर्थ के पहले हो रही है, उसके बाद बर्थ होगा और फिर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फिर जैसे प्यूबर्टी आएगी 12 to 15 ईयर की एज में, सो क्या होगा, मियोसिस की जो स्टॉप थी वो कंटिन्यू करके और क्या बनाएगी, अनइक्वल डिवीजन करके जो है तो दो सेल बनाएगी, एक एक जो होगा वो उसको हम सेकेंडरी ओसाइट बोलेंगे और एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करेगी। इस सेकेंडरी ओसाइट जो है तो मियोसिस सेकेंड में एंटर करेगी, बट वो भी कंप्लीट नहीं होगी, मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज सेकेंड पे ये भी प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, और ओवुलेशन के टाइम पे जो है तो ये सेकेंडरी ओसाइट है जो है तो रिलीज होता है, जो ओवम होता है हमारा, सो उसमें सेकेंडरी ओसाइट रहता है, सो ओवुलेशन होगा। फिर जैसे ही आगे चल के फर्टिलाइजेशन होगा, सो क्या होगा, मियोसिस जो है तो आगे जो है तो वो कंटिन्यू कंप्लीट होगी और जो है तो फिर पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करेगी और हमारा जो है तो एग जो है तो फर्टिलाइज एग बनेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा मियोसिस की प्रोसेस कंप्लीट। सो एक बार हम उसको स्पर्मेटोजेनेसिस से कंपेयर करके जो है तो समराइज कर लेते हैं। सो जैसे कि स्पर्मेटोगोनियम होता है, इसमें भी ओगोनियम होगा, जो प्रिमोर्डियल सेल होती हैं जो आगे चल के जो है तो स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन करती हैं, उनमें माइटोसिस की प्रोसेस होती है। बट डिफरेंस क्या है कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के टाइम पे होती है और ओजेनेसिस जो है तो जब फीमेल फिटस की फॉर्म होगी तभी यह स्टार्ट हो जाती है। देन यहाँ पे इक्वल डिवीजन होता है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है, बट ओजेनेसिस में क्या होगा, अनइक्वल डिवीजन होगा, ठीक है, अनइक्वल डिवीजन होगा और जो तो सेकेंडरी साइट का फॉर्मेशन होगा और एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद जो है तो फिर वही अनइक्वल डिवीजन होगा, तो इससे क्या होगा कि एक ओवम बनेगा और 3 पोलर बॉडी बनेंगी और इसमें जो है तो 1 स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्मेटो जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सो ये है हमारा ओजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट हुई। ओके।